अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सो आए बग़ैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ। आपने सबसे पहले ऐसा करना है, अगर आपके पास ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं है तो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है, आपको इजीली मिल जाएगी। सो हम इधर फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं। फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए ऑल फोटो फ़ोटोज़ पे जाएंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने के लिए जिस फाइल में भी आपकी पिक पड़ी हुई है उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। पहले फाइल सिलेक्ट करने के बाद पिक को सिलेक्ट करेंगे। पिक को जैसे ही हमने सिलेक्ट किया उसके बाद ये पिक चार्ट में ओपन हो चुकी है। इसके बाद टूल्स पे जा क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट पे एडजस्ट पे जाएंगे, ब्राइटनेस हम लो कर देंगे थोड़ी सी, -46 ब्राइटनेस कर दी हमने। कंट्रास्ट हम 9 पॉइंट पे कर देते हैं। सेचुरेशन फुल कर देंगे, ये काम पे नहीं है आपके। हाइलाइट्स माइनस पे कर देंगे, -41 पे। शेडो भी हम इसका कम कर देते हैं, +19 पे। ठीक है, हम इसका शेडो रख देते हैं। उसके बाद कंट्रास्ट 10 पे रखना है। उसके बाद ऐड फोटो पे आना है। ऐड फोटो पे आके सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इधर हमने सर्च करना है स्काई बैकग्राउंड। स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा नीचे। इनमें से कोई भी एक जो भी आपके पसंद का बैकग्राउंड हो वो आप चुन सकते हैं, बट जैसे कि मुझे ये अभी ठीक लग रहा है लाइट स्काई ब्लू कलर, इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेना है। इसको हम प्रॉपर पहले एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हमने बैकग्राउंड को सेट कर लिया है अपने पिक के पीछे। उसके बाद इरेजर पर क्लिक करके इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। जो बैकग्राउंड हमारा ऑब्जेक्ट पे आया हुआ है ऑब्जेक्ट को क्लियर कर देंगे।
सो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर से हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो चुका है और अपनी जगह पे लग चुका है। अभी हम इधर से बैकग्राउंड की भी सेटिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी से, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे इधर। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि पिक हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब थोड़ी सी सेटिंग आप अपने हिसाब से करना चाहें तो कर सकते हैं, जिस तरह की मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी पिक तकरीबन रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम फिर थोड़ी सी इसकी जो है वो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट इसका थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि लुक और भी अच्छी हो। इसके बाद आपने अपना नेम टाइप करना है, जैसे मैं इधर टाइप कर देता हूँ @SKJ फोटोग्राफी। मेरा तो अभी इंस्टाग्राम का ये यूज़र नेम है इसलिए मैं इधर ये टाइप कर रहा हूँ, बाकी आप इधर अपना सिग्नेचर वगैरह भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद मैं फिर अभी सर्च आइकन पे जाऊँगा, एड पिक पे जाके सर्च आइकन पे जाके फिर इंस्टाग्राम लोगो सर्च करूँगा, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूँगा, ये लोगो आ गया, इधर से आपने लोगो उठाना है और जहाँ पे हमने अपनी मार्किंग की हुई है उसके साथ लोगो लगा देना है। लोगो लगाने के बाद इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इंस्टाग्राम के आइकन को क्लिक करके इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी लो कर देनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी पिक अभी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ठीक है, या आप बिफोर आफ्टर देख सकते हैं, इसको भी थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस और लो कर देंगे ताकि और भी अच्छा लुक आए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, ये आप सेव कर लेंगे गैलरी में। ये थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिए।